हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जिसको सबके घरों में यही सोचते रहते हैं कि हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या खिलाएं, क्या हेल्दी खिलाएं। ये ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है और उसके साथ हेल्दी भी है। अगर आपको ये रेसिपी है जाननी है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, उसमें हमें 1 बाउल सूजी डालनी है। सूजी को अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। लाइट ब्राउन होने तक हमें रोस्ट करना है। अच्छी तरह से हमें हिलाते रहना है, जिससे कि जले ना। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी सूजी रोस्ट हो गई है। और हम इसमें एक ट्रिक है, वो है हमें यहाँ पे 1 टीस्पून घी डालना है और फिर से अच्छे से चलाना है, जिससे कि सूजी एकदम अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो गया है। उसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसमें एक और ट्रिक है, जिससे जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका उपमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमें यहाँ पे एक बर्तन में 1 टीस्पून घी डाला है, उसमें हमने राई डाली है, जीरा डाला है, चना दाल डालेंगे थोड़ी सी, अरहर की दाल डालेंगे थोड़ी सी, हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आए। हरी मिर्च हमने थोड़ी सी डाली है टेस्ट के लिए, और हमने यहाँ पे काजू डाले हैं। आप चाहे तो मूंगफली का दाने भी डाल सकते हो, और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे कि अच्छी तरह से सब कुछ पक जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 बाउल लिया था सूजी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बाउल पानी लेना है, और उसमें हमें डालना है नमक। 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। और एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो है हमें लेमन डालना है। लेमन से उपमा का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है। मुझे भी उपमा पहले बहुत पसंद नहीं था, पर जब से मैं इस रेसिपी से बना रही हूँ ना, तो उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने जो रवा को रोस्ट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है, जिससे कि सारा पानी अच्छे से चल जाए। जो बिगनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि इसमें पानी रह गया है, अब क्या करें। उसमें कोई परेशानी नहीं लेनी है हमें। हमें चलाते रहना है और पानी सारा कुछ चल जाएगा और अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। ये उपमा की रेसिपी एकदम हेल्दी है। हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप उपमा बनाते होंगे, पर आप एक बार इस रेसिपी से ट्राई जरूर करिएगा। हमने कोरिएंडर से गार्निश कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे उपमा कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। हम उसे प्लेटिंग कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नई रेसिपी लेके, टिल देन बाय।